नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज बनाएंगे नींबू का चटपटा अचार। इसकी रेसिपी बहुत आसान है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे पास यहाँ पर कुछ पके हुए अच्छे नींबू हैं। ये नींबू लगभग मैंने 20 नींबू के लगभग लिए हुए हैं। इन्हें अच्छे से नींबू को साफ़ कर लेना है और कपड़े से पोंछ लेना है, कोई भी नमी ना रहे। अब हम नींबू के टुकड़े करेंगे, यानी कि नींबू को काटेंगे। तो आप मैं यहाँ पर जो थोड़ा सा छोटा नींबू है उसके 4 टुकड़े करूँगी, जो थोड़ा सा बड़ा है उसके 8 टुकड़े करूँगी। लेकिन आप जितना भी अपना मनपसंद किसी भी तरह का शेप में इसको काट सकते हैं, साइज में। सबसे पहले हम इन नींबू को काटेंगे। अच्छे से रस भरे पके हुए नींबू होने चाहिए, पीले नींबू, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और हम यहाँ पर चटपटा अचार बनाने वाले हैं, खट्टा मीठा अचार नहीं बना रहे हैं। तो ये देखिए, सारे नींबू मैंने काट कर इकट्ठे कर लिए हैं इस तरह से। और आइए अब हम चलते हैं, आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ मसाले लिए हुए हैं, जिसमें कि ये 1 बड़ा चम्मच मेथी का पाउडर है। मेथी आप कच्ची या भुनी कोई भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच कलौंजी है, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन है, और 2 बड़ा चम्मच सौंफ का पाउडर है, जो मसाले वाला सौंफ होता है। दूसरी तरफ मैंने गैस जलाकर कढ़ाई में तेल रख लिया है। ये लगभग 100 ग्राम के लगभग तेल है। इसे हमें अच्छी तरह से पहले गरम करना है, यानी कि तेल को पकाना है, तब तक जब तक तेल अच्छी तरह धुआं ना छोड़ने लगे। और जब तेल धुआं छोड़ने लगेगा, तब हमारे जो तेल का कलर है वो भी हल्का पीला हो जाएगा। ये देखिए, तो अब तेल ने धुआं छोड़ दिया है, यानी कि अच्छी तरह तेल पक गया है। तो हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। तो जब तेल हल्का सा ठंडा हो जाएगा, तो हम इसमें हींग डाल देंगे, 1 आधा चम्मच, आधा चम्मच भर कर हींग डाल देना है। और इसके बाद में कलौंजी डाल देंगे, क्योंकि कलौंजी हम यहाँ कच्ची ले रहे हैं। अगर आपको लगे तेल ज़्यादा ठंडा हो गया, तो जैसे मैंने गैस को ऑन कर लिया है, धीरे से गैस को ऑन कर लेना है, एकदम धीमी आंच में 1 मिनट के लिए। साथ ही साथ हम इसमें अजवाइन भी डाल देंगे। अजवाइन और कलौंजी को पहले डालना है, जिससे कि ये पक जाए। और आँच को धीमा ही रखना है फ्लेम को। तो ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से, बस बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें बस थोड़ा सा इतना करना है कि गरम तेल में जाके इनका कच्चापन चला जाए। तो जैसे ही कलौंजी और ये हो जाएगा अजवाइन हमारा, इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए। तो हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया हुआ है, यानी कि 2 टीस्पून। लाल मिर्च ज़्यादा तीखा नहीं है, इसलिए लाल मिर्च भी मैं 2 टीस्पून ले रही हूँ। लाल मिर्च से तीखापन तो आएगा, चटपटापन, साथ ही साथ हमारे अचार को बहुत ही अच्छा सा कलर मिलेगा हल्दी से और मिर्च से। हल्दी और मिर्च आप नींबू में ऐसे भी रगड़ सकते हैं या मिला सकते हैं। इसके बाद में मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया है, और सबसे लास्ट में हमने जो पीसे हुए पाउडर लिए थे, यानी कि मेथी का पाउडर और सौंफ का पाउडर, वो हम इसमें डाल देंगे। तो जो पिसा हुआ पाउडर है वो आपको बाद में डालना है, यानी कि गैस को ऑफ़ करने के बाद में हमें तेल को गर्म चाहिए ही नहीं। इसके बाद में ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। अब हमारी बारी आती है इसमें नमक मिलाने की। तो मैं यहाँ पर उतने नींबू के लिए कम से कम 4 से 5 चम्मच नमक डालूंगी, क्योंकि नींबू खट्टा होता है, उसकी खटास को कम करने के लिए, साथ ही साथ नींबू को गलाने के लिए नमक चाहिए। और साथ ही ज़्यादा नमक अचार में अच्छा भी लगता है, और ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। नमक मिला के इसे हम छोड़ देंगे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए, यानी कि इस मसाले को आपको पूरी तरह से कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। तो आधे घंटे के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं अच्छी तरह से गर्म करने के लिए। आधे घंटे बाद ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है मसाला। इसके बाद हम इसमें अभी नींबू मिलाएंगे, जो हमने नींबू काट कर रखे हुए थे। ये वजन से मैं बताऊं तो ये 1.5 किलो के लगभग नींबू होंगे, और काफ़ी बड़े साइज़ का नींबू था ये। अब हम ये मसाला जो है इसमें मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। आप चाहे तो, अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद नहीं करते या चटपटा खाना पसंद नहीं करते, तो आप यहाँ पर 3-4 चम्मच चीनी डाल सकते हैं इसी स्टेज पर। हींग जरूर डालें इस अचार में, और इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है अचार को, मसाले के साथ में नींबू को अच्छी तरह मिक्स करना है। और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ खुशबू भी बहुत अच्छी है। सौंफ का पाउडर आपको ज़्यादा ही डालना है, जीरा नहीं जाएगा इस अचार में। और ये मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए मिक्स कर लिया हुआ है। अभी मिक्स करने के बाद में ये पूरी तरह से ठंडा तो हमने पहले ही कर लिया था मसाला। अब इस अचार को हम किसी डब्बे में एयर टाइट जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अचार कोई भी हो,
उसका जो भी जार लें आप, कांच का या प्लास्टिक का, उसे अच्छी तरह से धोकर सुखा लीजिए, तभी अचार डालें। तो मैंने यहाँ पर एक डब्बे में अचार डाल दिया है, ये अपना जो नींबू का अचार ट्रांसफ़र कर लिया है। आप इसे चाहें तो 4-6 दिन के लिए धूप में रख सकते हैं, 2-2 घंटे की धूप दिखा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे ऐसे ही रखा रहने दें, लेकिन दिन में 2 या 2 से 3 बार अचार को हिला जरूर दें, जिससे कि सभी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। और 10 से 15 दिन बाद, या जब आपको लगे आप चेक करते रहें खाने लायक हो जाए, तो आप इसे खा सकते हैं। और आपका जो ये अचार है ये रेडी हो चुका है। इसे किसी सूखी जगह पर रखिए जहाँ पर नमी ना हो, और ढक्कन से अच्छी तरह से कवर करके रखें इसे। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।